बात देश का जनता को मैं बताना चाहता हूं, एनपीआर में कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई आधार पूछने वाला नहीं है, कोई रेशन कार्ड पूछने वाला नहीं है, कोई देने का जरूरत नहीं है, कोई रिकॉर्ड देने का जरूरत नहीं है। जो भी एनपीआर में जितने भी इश्यूज है उसमें जो आपके मन में दे सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं है, वही इश्यूज बताइए। जो नहीं बताने का आपका मन लगता है, आपका परिवार का लगता है, कोई फॉर्म में कोई फिलअप करने का जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन में भी जाके घर में बैठ के भी इस एनपीआर में आप खुद रजिस्टर कर सकते हैं। आपको जो प्रॉब्लम दिखता है वो प्रॉब्लम बताने का जरूरत नहीं है, वो रिकॉर्ड देने का जरूरत नहीं है। कोई भी डॉक्यूमेंट कोई भी पूछने वाले नहीं है। भारत सरकार के द्वारा, मैं गृह राज्य मंत्री के द्वारा ना के मैं बताना चाहता हूँ, ये गलत प्रचार कर रहे हैं सीए के बारे में, एनपीआर के बारे में गलत प्रचार करना बंद करिए। लोगों को मजहब के नाम पर तोड़ने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। इसमें कोई रिलीजियस के खिलाफ ना सीए है, ना एनपीआर है, ना सेंसस है। ये सेंसस लगभग 150 साल से भारत में सेंसस हो रहे होगा, ये गवर्नमेंट का जो वेलफेयर एक्टिविटी है, स्कीम्स है, इसके इम्प्लीमेंट के लिए सेंसस जरूरी है। भारत में रूरल एरिया में पॉपुलेशन कितना है, अर्बन एरिया में कितना है, वर्कर्स कितना है, एग्रीकल्चर लेबर कितना है, ये सब डिटेल लेना जरूरी होता है, दुनिया भर में बताने का जरूरी होता है। इसीलिए ना एनपीआर, ना सेंसस, ना सीए कोई मजहब के खिलाफ नहीं है। इसलिए मैं सबको बताना चाहता हूँ, 130 करोड़ जनता में एक व्यक्ति के खिलाफ भी ना एनपीआर होगा, ना सीए होगा, एक व्यक्ति भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक व्यक्ति के खिलाफ एक शब्द भी सिटीजन अमेंडमेंट में नहीं है, एनपीआर में ना रहे। तो सर आप जिस कह सकते हैं या फिर कौन अबल के लाया गया सर? कोई साजिश नहीं है, कोई रेजोल्यूशन नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट जरूरत नहीं है। जो आपके पास रिकॉर्ड, हर भाई देश में गांव में रहने वाले के लोगों के पास किधर बर्थ सर्टिफिकेट है, कौन पूछ रहे आपको बर्थ सर्टिफिकेट किधर से लाएंगे? क्यों ऐसा लोगों को भड़काते हो, लोगों में बीच में जाकर गलत प्रचार करते हो? कोई डॉक्यूमेंट जरूरत नहीं है। मैं हमारा डिपार्टमेंट ही एनपीआर करते हैं, हमारा डिपार्टमेंट का मिनिस्टर के नाते भारत सरकार के द्वारा मैं आज देश के जनता को फिर एक बात बताना चाहता हूँ। जो राजनीतिक पार्टी, कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ बुद्धिजीवी, कुछ प्रचार प्रसार साधन ये गलत प्रचार लोगों के बीच में ले जा रहे हैं, उसको कोई डॉक्यूमेंट देने का जरूरत नहीं है। जो आंदोलन कर रहे तुरंत बंद करिए, जो गलत प्रचार कर रहे लोगों को क्षमा मांगते हुए ये गलत प्रचार से पीछे आइए। क्या सर बात वायलेंस है और एक तरीके से देखा गया देयर इज नो वायलेंस इन द जम्मू एंड कश्मीर एंड नाउ फारूक अब्दुल्ला हैज बीन इट इज आल्सो बीन रिव्यूड बाय अबाउट उमर अब्दुल्ला एंड द अदर लीडर्स हु आर इन डिटेंशन। सो हाउ इज द सिचुएशन नाउ देयर इन जम्मू? हमारा कोई व्यक्ति को जेल के अंदर रखने का इच्छा नहीं है, मगर जम्मू कश्मीर में स्थिति में ठीक तरीके से अच्छे होना चाहिए, इसके लिए कुछ लोगों को। हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज़ हैदराबाद।